चला रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं दाम नदीम और आप देख रहे हैं किसान मालूमात। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे इलाके में जो एक ज़िम्मेदार है माशाल्लाह बहुत ही उसकी अच्छी फार्मिंग है, उसने मकई काश्त की थी मेरे ख्याल में तकरीबन 20-25 एकड़ में, तो उसने बहुत ही अच्छी पैदावार उठाई। वो आपको बताएं कि उन्होंने कौन सा बीज इस्तेमाल किया और किस कितनी औसत उठाई। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं, हमारी हर आने वाली वीडियो को देखते रहें। तो खान साहब, आप ये बताएं कि आपने कौन सा बीज इस्तेमाल किया और कौन सी स्प्रे इस्तेमाल की और कितनी खादें दी और कितनी पैदावार उठाने में कामयाब हुई। आप पहले बीज के बारे में बताएं कि कौन सा बीज इस्तेमाल किया। अच्छा, ये अपना 8 महीने काश की असें ते बिज 300 ते अपना 87 ये वैरायटी का नाम है, बिज दिया ये है तो नाम है कुल 800 कितनी पानी लग जाते हैं मकाई को? तकरीबन इनको 8 पानी देंगे तो अपना 2 महीने पानी। तो आपने सुना मेरे किसान भाइयों, इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 25-30 एकड़ पर मकई काश्त की और 8वें महीने में इसको काश्त किया और 12वें महीने में इसकी कटाई की और 70-80 मन। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे रकबे पर गंदम काश्त है और गंदम के बाद फिर मकई लगाएंगे, इंशाल्लाह उसकी औसत 90-100 मन लेंगे। ये हमारे खान भाई का टारगेट है कि इंशाल्लाह 90-100 मन लेगा क्योंकि मौसम की मकई होगी। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी फसल पर मकई काश्त करें और मुनाफा, ये मुनाफेदार फसल है, इससे आप फ़ायदा उठाएँ। मेहरबानी।